हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए जो 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए खास तौर पे एक वीडियो बनाया जा रहा है। उनके लिए बायोलॉजी का वीडियो बनाया जा रहा है, बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव का। तो लमसम इसमें हम जितने भी वीडियो बनाएंगे, कम से हमारा मतलब कि है कि कम से कम आपको एग्ज़ाम देने से पहले तक कम से कम 500 से 600 तो ऑब्जेक्टिव केवल बायोलॉजी का जो है वह करा दिया जाए, ठीक है, ताकि जो एग्ज़ाम देने जाया जाए तो किसी प्रकार की डाउट ना हो, किसी भी क्वेश्चन में सोचना ना हो और आराम से उस क्वेश्चन को करके आ जाया जाए, ठीक है। तो मैं हम आज जान लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो फटाफट जान लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि कैसा क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम आपको बता दें कि वीडियो को मिस मत कीजिएगा, डेली पर डे जो भी वीडियो आएगा उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। हाँ, इसे देखने के लिए क्या कीजिएगा आप, मेरे चैनल जो है वह उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि और हाँ, बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो मिलता रहे। नहीं तो आप कीजिएगा, देख लीजिएगा, मान लीजिए आपके पास वीडियो गया, उसको देखे नहीं, सॉरी देख लिए, उसको क्या किया, उसको छोड़ दिया वैसे ही। जब छोड़ देंगे वैसे ही तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, जब नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं तो आपको तैयारी जो होगी वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप क्या कीजिए, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि आपको हर वीडियो आपको टाइम बे टाइम पे मिलता रहे। आप उसे आसानी से देख करके आप एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया मार्क्स जो है वह पास हो सकें, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन या जितने भी इसमें क्वेश्चन है वह किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषण होता है, मतलब कि स्वपोषण जो होता है वो कौन सा होता है। अब आप बात करते हैं कि स्वपोषण होता कैसे है, मतलब कि स्वपोषण क्या होता है। तो वैसा पोषण जो अपने आप हो, ठीक है, यानी कि किसी और पर निर्भर न रह जाए, यानी कि पोषण के लिए किसी और जीवों पर निर्भर न रहे, उसे हम स्वपोषण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसे स्वपोषण के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। तो कह रहा है कि स्वपोषण जो होता है वो किस में होता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि कौकों में, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कि हरे पौधों में, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ कि जंतुओं में, और चौथा ऑप्शन दिया है सभी जीवों में। तो देखिए, जो स्वपोषण हमारा होता है वो हरे पौधों में होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि स्वपोषण जो होता है वो अपने हरे पौधों में, पेड़ पौधों में जी, वही स्वपोषण होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा किस प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन में बनता है। जो इथाइल अल्कोहल होती है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि वायव्य श्वसन, ऑप्शन नंबर ख दिया हुआ है कि अवायव्य श्वसन, और ऑप्शन दिया ग नंबर दिया हुआ कि क और ख दोनों में, यानी कहने का मतलब हुआ कि वायव्य श्वसन और अवायव्य श्वसन दोनों प्रकार के श्वसन में, और घ नंबर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो इथाइल अल्कोहल होती है वह वायव्य श्वसन और अवायव्य श्वसन दोनों प्रकार के श्वसन में बनता है, इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी जो है वो अंग कौन सा है, इसमें आपको बताना है, यानी कि चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पत्ती, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि हरित लौह, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि ग्रैना, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि स्ट्रोमा। इन सब चारों में से आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषी जो अंग है वो कौन सी है, ठीक है। तो देखिए, इसमें से जो प्रकाश संश्लेषी अंग है वह हमारा हरित लौह, यानी कि ऑप्शन नंबर ख होगा। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ख, हरित लौह होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या क्वेश्चन जो है वो कह रहा है। तो देखिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है, ठीक है। इसमें से, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से बताना है कि आपको कौन से उसे क्रिया है जो सभी जीवों के लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है। पहला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि वाष्प सर्जन, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि श्वसन, और चौथा ऑप्शन दिया है कैसे, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ग दिया हुआ है, ठीक है, श्वसन। देखिए, तो श्वसन जो होती है वो सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। हर जीव क्या करता है, श्वसन करता है, इसलिए हर जीव के लिए क्या हो, श्वसन जो होती है हमारी आवश्यक होती है। इसलिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, श्वसन, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, ठीक है। अब देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है वो हमारी किस प्रकार की झिल्ली होती है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि परागम्य, ऑप्शन नंबर ख दिया हुआ है कि अपरागम्य, ऑप्शन नंबर ग दिया हुआ है कि अर्धपरागम्य, और ऑप्शन नंबर घ दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कोशिका हमारी झिल्ली होती है वो कैसी झिल्ली होती है, तो अर्धपरागम्य झिल्ली होती है, वो अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देखिए, दिया हुआ है कि आज का सवाल, मतलब कि आज का सवाल जो है वो कैसा है, मतलब कहने का मतलब है कि हम पर डे एक क्वेश्चन को डालेंगे और उसको हम आंसर बताएंगे नहीं, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर हम बताएंगे, और जो भी इसका आंसर पता होगा जिस स्टूडेंट्स को वह क्या करेगा, उस
आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताया गया कि हैं इसका आंसर ये होगा, और उनका नाम जो है वह अगले आने वाले वीडियो में उनका नाम क्या होगा अनाउंसिंग किया जाएगा कि हाँ इस स्टूडेंट्स ने इसका आंसर जो क्या दिया हुआ है सही दिया हुआ था। देखिए फर्स्ट नंबर तो हाँ तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, मतलब कि जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है कि अंतः श्वसन, ऑप्शन नंबर ख दिया हुआ है कि निःश्वसन, ऑप्शन नंबर ग दिया है कि श्वसन, और ऑप्शन नंबर घ दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या कीजिए, सोच समझ के दीजिए और जल्दी दीजिए, ठीक है, ताकि आपका भी नाम आ जाए। ठीक है, अब देखिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव होता है, जो हमारा इष्ट होता है वह किस प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, उसको बताना है। तो ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि शैवाल, ऑप्शन नंबर ख दिया हुआ है कि कवक, ऑप्शन नंबर ग दिया हुआ है कि जीवाणु, और ऑप्शन नंबर घ दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। अब बताना है कि आपको जो इष्ट वर्ग की जो एक कोशिकीय जीव होती है वह किस प्रकार की कोशिकीय एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो देखिए वह जो हमारे होती है वह कवक जो होती है ईस्ट, वह कवक जो होती है वह एक कोशिकीय जीव है ईस्ट वर्ग के। ईस्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो कवक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख कवक। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता दें, हाँ एक छोटी मेरे दिल से प्यार से रिक्वेस्ट है कि आप यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है, लेकिन आपका अपना वोट जो है वह ज़रूर दीजिए, छोड़िए मत। आपको इस वीडियो को लाइक यदि पसंद आ रहा है तभी कीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा। यदि आपको पसंद आ रहा है, यदि आप लाइक कीजिएगा, तो हमको अंदर से उम्मीद उठेगी कि हाँ हमको वीडियो बनाना चाहिए, आपको लेके आगे वीडियो लाना चाहिए। अगर आप क्या करेंगे, आप लाइक कीजिएगा कि कुछ भी वोटिंग नहीं कीजिएगा, हमको नहीं लगेगा कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं, ठीक है, तो हमको बनाने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अपना वोट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दही के जमने में, जो दही होती है वह दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए दही का जो जमना होता है यानी कि दही जब जमता है तो उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, यानी कि क्रिया कौन कौन सी दी हुई है। देखिए चार दी हुई, कह रहा है कि अपघटन, दूसरा ख नंबर ऑप्शन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण, और घ नंबर ऑप्शन दिया है कि उत्सर्जन, और घ नंबर ऑप्शन दिया है कि किण्वन। तो देखिए बताना है कि दही जो जमता है उसमें कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए जो उसमें क्रिया होती है वह होती है किण्वन, यानी कि किण्वन जो क्रिया होती है वही दही के जमने में हमारी सहायक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें घ जो होगा वह राइट आंसर हमारा हो जाएगा, किण्वन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। ठीक है, यानी कि श्वसन की क्रिया के दौरान, यानी कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत जो होती है वह ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है, मतलब कि बाहर हो जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है क्या, वो ऑप्शन दिया हुआ है कि 20%, ऑप्शन नंबर ख दिया है कि 40%, और ऑप्शन नंबर ग दिया हुआ है कि 60%, और ऑप्शन नंबर घ दिया हुआ है कि 80%। देखिए तो श्वसन क्रिया के दौरान जो 20% है वह ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर क 20%। ठीक है, यानी कि 20% इसका होगा जो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रक्षित कोशिकाएं पाई जाती है, जो रक्षित कोशिकाएं होती है वह किसमें पाई जाती है, आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जड़ों में, सॉरी यहाँ पे जोड़ में लिखा गया है, जड़ में होगा, जड़ों में, ऑप्शन नंबर ख दिया है कि फूलों में, ऑप्शन नंबर ग दिया हुआ है कि फलों में, और ऑप्शन नंबर घ दिया रहा है कि पत्तियों में। तो देखिए जो रक्षित कोशिकाएं होती है वो हमारी पत्तियों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, पत्तियों में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पत्तियों में, यानी घ नंबर, यानी कि रक्षित कोशिकाएं जो पाई जाती है वो पत्तियों में ही पाई जाती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो किसकी प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, कि ऑप्शन दिया हुआ है कि वसा का, ऑप्शन नंबर ख दिया है कि प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर ग दिया है कि ग्लूकोज का, और ऑप्शन नंबर घ दिया है कि प्रकाश का। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो प्राप्ति होती है वह ग्लूकोज की प्राप्ति
होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ठीक है, उसको ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ग जो होगा वह राइट आंसर होगा ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वह क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो वह कह रहा है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी कि वो कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर क दिया है कि श्वसन, ऑप्शन नंबर ख दिया है कि पोषण, और ऑप्शन नंबर ग दिया हुआ है उत्सर्जन, और ऑप्शन नंबर घ दिया है कि इनमें से कोई नहीं ठीक है। आपको ये बताना है कि प्रकाश वो कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो देखिए, श्वसन जो है उसी के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का जो है उत्पादन होगा, यानी कि जब तक हम श्वसन नहीं होगा, यानी कि श्वसन की क्रिया नहीं होगी तब तक ऊर्जा उत्पादन नहीं होगी ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क ठीक है। आप देख लीजिए।